वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो सभी लोग जुड़ जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम एक रैपिड रिवीजन की तरह हमारा ये लेक्चर रहेगा। इसमें ध्यान रखें, हम ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। बायोलॉजी के जैसे वन लाइनर फैक्ट टाइप होते हैं, उस टाइप से हम एक रिविजन स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर पूरा लेक्चर हमारा रहेगा। यानी कि एक एक पॉइंट्स में हम एक एक चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पर जाएंगे, जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्जाम जो है इसमें छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसे में उन चीज़ों पर फोकस यहाँ पर करना है। लिंक भी शेयर कर दें एक बार और सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। याद रखना है आपको, ठीक, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लीवर की अगर हम बात करें, यानी कि यकृत के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इस प्रकार का विटामिन है जो एक तरीके से भविष्य की तरह, भविष्य के रूप में यानी कि फ्यूचर के रूप में स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है, संग्रहित रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि लीवर के अंदर कौन सा इस प्रकार का आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना है कि लीवर के अंदर, यकृत के अंदर किस कौन सा ऐसा विटामिन है जो भविष्य यानी कि फ्यूचर क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। संजू बंगारवा, आंसर आपका आएगा विटामिन ए। आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपल सा। आज वन लाइनर की तरह हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, मजा आने वाला है। तो सारा सेशन सभी को ज्वाइन करना है, अच्छे से पूरे टाइम जुड़े रहना है, ओके, और आंसर भी देना है सभी को। बताइए बाइल, जो बाइल है, पित्त है, बाइल का पीएच बताइए कितना होता है। ये लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसी एग्जामों के अंदर बाइल जो पित्त रस होता है उसका पीएच मान लगातार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बताइए क्या होगा आंसर, सभी क्या आना चाहिए फटाफट। बाइल का पीएच क्या होता है? 7.7 होता है, ध्यान रखना है। 7.7 होता है, यानी कि ये कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, ध्यान रख लेना, अल्कलाइन नेचर का ये होता है बाइल। तो एग्जैक्ट अगर हम देखें तो कितना होता है? 7.7 इसका होता है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि जो फंजाई है, कवक है, ये सारे हम ये कह सकते हैं जनरल साइंस की तरह आपके क्वेश्चन से। ऐसे में ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रखना है। रैपिड रिवीजन की हम तरह देख रहे हैं, फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बेसिक से क्वेश्चन जो होते हैं, फंजाई यानी कि कवक, एल्गी यानी कि शैवाल। तो फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, और कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बताइए फंजाई की क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फंजाई क्या है? फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। एल्गी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अच्छे से ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी को और क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी भी कहा जाता है, ओके। तो फंजाई कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और एल्गी शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक, ओके। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट्स यानी कि जो पादप होते हैं, वो मुख्यतः जो नाइट्रोजन होता है उसको किस फॉर्म में एब्जर्ब करते हैं, किस रूप में अवशोषण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लांट्स यानी कि पादप की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं, बताइए फटाफट, आंसर आना चाहिए आपका। ये वन लाइनर की तरह है, नोट करते जाना है। एमएस राजपूत को कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तो ध्यान रखना, पादप की अगर हम बात करें तो किस फॉर्म में करते हैं, याद होए सभी को, नाइट्रेट के रूप में मुख्यतः करते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रेट के फॉर्म में मुख्यतः करते हैं, साथ में नाइट्राइट के दिमे भी करते हैं, पर आपसे मुख्यतः पूछा गया है तो किस रूप में करेंगे, ये नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें। ये कुछ चीजें आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अगला आपको याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है सारी चीजें, ओके ओके ओके। आकांक्षा मदेशिया या संजू बगरवा, लाइक जरूर कर दे इस बार सेशन को।
आपसे पूछा जाता है जो डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना डायबिटीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, डायबिटीज जो है, डायबिटीज रोग जो होता है वो किस प्रकार से होता है यह पूछा जाता है। इंसुलिन की कमी से होता है, मधुमेह की हम बात कर रहे हैं तो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है या इंसुलिन की अधिकता से होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से, तो याद रखना है इंसुलिन की कमी से होता है ये आपसे पूछा जाता है। केवल हम ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो केवल वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं ताकि आपको याद रहे ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग चैप्टर से सारे चीज़ें रहेंगी हमारी, केवल हमारी वन लाइनर के रूप में है, ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन जो होता है ये मुख्यतः कौन सी कोशिका में होता है, तो समसूत्री विभाजन का पूछा जाता है। माइटोसिस कौन सी कोशिका के अंदर होता है मुख्यतः, तो याद रखना है किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है यानी कि कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक, कायिक कोशिका सोमेटिक सेल्स के अंदर आपका माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, क्लियर। याद रखना है जो आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक तरीके से फिजिक्स में भी आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो हमारी ह्यूमन की जो आंखें होती है, मानव की जो नेत्र होते हैं वो कौन से लेंस की तरह कार्य करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव लेंस किस, कौन सी मानव की जो लेंस है, हमारी आंखें जो है वो कौन सी लेंस की तरह काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना अवतल उत्तल बताइए कौन सी, या समतल यानी कि आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बताइए प्लेन मिरर, प्लेन लेंस की हम बात करें, अगर लेंस में बात करें तो अलग अलग तरीके की आपकी लेंस हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, बताइए इसका, नहीं आंसर क्या आएगा इसका, उत्तल लेंस आएगा, ध्यान रखना कॉन्वेक्स, ये बहुत आप किस तरीके के क्वेश्चन है जो जनरल साइंस की तरह होते हैं एक तरीके से, पर क्योंकि आपकी एग्जाम में इसके अंदर टेंथ बेस्ड है तो ऐसे में क्वेश्चन ऐसे आने के ज़्यादा चांस है, और साथ में और अलग अलग जो स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरीके से फैक्ट्स की तरह होंगे, ये ध्यान रखना, तो अच्छे से आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है ये तो सभी को बताएं, बताइए जो आपके, अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं, पैनक्रियास की बात करते हैं, तो पैनक्रियास के अंदर दो सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, पता है सभी को, पेनक्रियास जो होता है, अग्नाशय जो होता है उसमें दो सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा जो होती है, अल्फा सेल क्या करती है और बीटा सेल क्या करती है बताइए, ये फर्स्ट वाला है आपका और ये सेकंड वाला है, बताइए ये कौन सी कोशिकाओं का स्त्रावण करती है, अल्फा सेल्स जो होती है कौन से हार्मोन को करती है और बीटा सेल्स जो होती है वो कौन से हार्मोन को करती है, राजदान यादव, हिंदी में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हिंदी में लिख देता हूं, पेनक्रियास का मतलब होता है अग्नाशय, अग्नाशय की दो कोशिकाएं होती है पैनक्रियास की, एक अल्फा कोशिका होती है एक बीटा कोशिका होती है, इन दोनों का बताना है कौन कौन सी, किन किन का स्त्रावण करती है, कौन से हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, बताइए फटाफट आ जाने चाहिए फटाफट आंसर, इंसुलिन एक सही है, पर इंसुलिन किसका आएगा, अल्फा का नहीं आएगा, जो इंसुलिन होता है वो किससे होता है, ओके राजस्थान यादव, हिंदी में भी हम यूज करेंगे इसको, तो अल्फा सेल्स बीटा सेल्स जो होती है किस चीज का करती है, सही बोल रहे हो, अल्फा और बीटा और आंसर आने चाहिए, अल्फा इंसुलिन, अब आंसर सही आने लगे हैं, अब आएगा आपका वॉइस आएगी, अब तो बीटा जो होती है वो इंसुलिन का करती है, अल्फा ग्लूकोगोन का करता है, थोड़ी सी आंसर कुछ लोगों के गलत भी आ रहे हैं, अल्फा बीटा का ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर फोकस जो करना है वो अगले क्वेश्चन पर करना है, अच्छे से याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाता है कि जो गाजर होती है, गाजर जो होती है आपकी, कैरेट जो होती है वो कैसे कलर में दिखाई देती है, नारंगी कलर की दिखाई देती है मेनली,
ऑरेंज जैसी थोड़ी रहती है, ऑरेंज कलर की, संतरे यानी कि नारंगी कलर अभी हम उसको कहते हैं, थोड़ी सी नारंगी कलर की दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जाता है बताइए इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से पिगमेंट्स, कौन से वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से वर्णक पाए जाते हैं, आंसर आना चाहिए सभी का फटाफट, आपको कमेंट्स में लिखना है। जैसे ही जो भी स्टूडेंट्स बाद में वीडियोस देखते हैं सभी को कमेंट्स के अंदर बताना है सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस को। तो क्या है आंसर, सही बताया बिल्कुल इस बार, केरोटीन। तो क्या आएगा आंसर, केरोटीन, ध्यान रखना है। तो केरोटीन यहां पर आंसर आएगा, ओके याद रखना है अच्छे से, ठीक। आपसे पूछा जाता है ये दो चीज तो बता दीजिए सभी लोग, टमाटर की हम बात कर रहे हैं, टमाटर का सभी को पता है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो टोमेटो जो होता है वो रेड कलर का होता है, टमाटर की हम बात कर रहे हैं। अब चलो नंबर हम डाल देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, यहीं से हम नंबर स्टार्ट कर रहे डालना, ये पहला हमारा मान रहे हैं। टमाटर जो है इसका लाल रंग क्यों होता है, बिल्कुल हरीश यादव सही है, क्या है आंसर, लाइकोपिन की वजह से। तो किसकी वजह से, लाइकोपिन, लाइकोपिन होता है। अगला आप बताइए, हल्दी जो होती है वो पीले रंग की होती है, उसका रीजन क्या है, हल्दी की हम बात कर रहे हैं, हल्दी सभी को पता है पीले रंग की होती है, येलो कलर होती है, उसका रीजन क्या, उसमें उसका रीजन और बता दीजिए। ये कुछ ऐसे हैं जो एक वन लाइनर की तरह हम देख रहे हैं यहां पर। तो हल्दी का पीले रंग का कारण क्या है बताइए फटाफट, लाइक्स भी होने चाहिए सभी के, और बिल्कुल बताना है आपको सभी में, जब बाद में आप देखें वीडियोस तो उसके बाद में भी आपको। आशुतोष सिंह बिल्कुल सही है, यस सही है, क्या आएगा, कुरकुमीन, क्या आएगा, कुरकुमीन, कुरकुमीन अच्छे से याद रखना है, तो कुरकुमीन की वजह से होती है। अगला आपको आंसर बताना है, नेक्स्ट है आपका, बताइए ये तो सभी को पता है, तो ये आपको बताना है विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी मेटल पाई जाती है, ये बताना है। तीसरा नंबर का जो है विटामिन B12 जो है, आपको नंबरिंग डाल के बताना है आंसर यहां पर। अब तो विटामिन B12 जो है इसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, ये क्वेश्चन आता है आपसे नॉर्मली, बताइए कौन सी धातु ऐसी है जो विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। आशुतोष सिंह एनवायरमेंट का भी आएगा बिल्कुल, ओके सही है सही है सही है, कोबाल्ट, क्या आएगा आंसर इसका, कोबाल्ट, ओके याद रखना है, कौन सी धातु पाई जाती है, थर्ड वाले का याद रखना, कोबाल्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाला आंसर बताइए अब, आंसर अगला है आपका, अगला आपको बताना है ऐसा, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसा रोग, या फिर हम ये कह दे ऐसा विटामिन जो हमें किसी भी प्रकार की सब्जियों से नहीं मिलता है, बताइए ऐसा विटामिन, ऐसा विटामिन जो किसी भी प्रकार की वेजिटेबल से सब्जियों से नहीं मिलता है, वो बताना है। चौथे वाले में विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी सब्जियों से हमें जनरली नहीं मिलता है, हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यस मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है, विटामिन डी सही है। तो विटामिन डी जो होता है ध्यान रखना है, ये हमें इस किसी भी हरी सब्जियों में नहीं मिलता है, ये कहाँ पर मिलता है, या तो सूर्य की हम बात करते हैं यानी कि इससे मिलता है सनलाइट से, या फिर हम बात करें अलग अलग कोड लीवर ऑयल होते हैं उनमें हमें मिलता है, ध्यान रखना है, ठीक। ये भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। आपसे पूछा जाता है ये चार यहां पर हो गए, अब नंबरिंग के साथ हम करने वाले हैं सारे, फिर हम अगले इसमें लेक्चर में जब देखेंगे तो इसको पीपीटी के थ्रू हम देख लेंगे इस तरीके के जो वन लाइनर फैक्ट्स या वगैरह रहेंगे उसको, पर आज हम इस तरीके से पूछ रहे हैं। छठा बताइए आपको, छठा वाला आपको बताना है, बताइए जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो दुर्गंध जो देता है वो किसके कारण देता है। तो यूरिन की हम बात कर रहे हैं, मूत्र की हम बात कर रहे हैं, यूरिन की, इसकी जो दुर्गंध होती है ये किसके कारण होती है, यूरोक्रोम तो पिगमेंट पाया जाता है उसके अंदर, वर्णक पाया जाता है,
तो वो उसके कलर के लिए है, ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा गया है, दुर्गंध की बात की गई है, उसकी जो स्मेल होती है, बैड ऑडर जिसे हम कहते हैं, उसका रीज़न क्या है? आंसर आने चाहिए सभी के, जितने लोग देख रहे हैं लाइक्स उनसे ज़्यादा होने चाहिए। कमेंट में भी सभी को यहाँ पर करना है, ध्यान रखना है। यस यस यस, आंसर सही है मैक्सिमम लोगों के। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यूरिया, ध्यान रखना यूरिया। आंसर क्या आएगा? यूरिया। चलो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है, ये भी बता दीजिए सातवां वाला। आपको पता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो क्या होते हैं, यानी कि हम ये कह दें कि जिनके अंदर अमोनिया से यूरिया बनता है, यानी कि यूरिया जो रिलीज करते हैं, जिनको हम याद रखना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, उनमें बताइए, यानी कि अमोनिया से यूरिया बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? तो अमोनिया से यूरिया कहाँ पर बनता है ये बता दीजिए। कौन से अंग में अमोनिया से यूरिया बनता है बताइए? आंसर आने चाहिए सभी के। सातवां वाला, अमोनिया से यूरिया कहाँ पर बनता है? यूरियोटेलिक कहते हैं उनको, यूरिकोटेलिक नहीं, यूरियोटेलिक कहते हैं, ध्यान रखना। जिनमें जो यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हम भी कैसे हैं? यूरियोटेलिक ही होते हैं ह्यूमन भी। और इनमें आपको बताना है कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या बनता है, जो आपका अमोनिया है NH3 है, उससे आपका यूरिया बनता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये होता है। तो अमोनिया से यूरिया जो कन्वर्जन होता है, बिल्कुल सही है, लीवर, हरीश यादव, लीवर अच्छे से याद रखना है, क्या कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है, ठीक। क्या कहा जाता है इसको, इस चक्र का नाम पता है सभी को? क्या ऑर्निथिन अर्जिनिन चक्र कहा जाता है इसको? कहा जाता है ऑर्निथिन अर्जिनिन चक्र, ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल कहा जाता है, याद रखना है, ठीक। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे आता होता है? यूरिया से, यानी कि अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बनता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका सातवां आंसर आना चाहिए, नेक्स्ट आठवां, सभी का तैयार रहना है सभी को, ठीक। अगला बताना है, चलो और देख लेता हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं ताकि। चलो ये बता दीजिए, ये आप बता दीजिए, फेट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? फेट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, ये बता दीजिए। फेट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से? आंसर सभी के आना चाहिए। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, यस, कौन कौन से हैं? आंसर गलत तो आ रहे हैं आपके मैक्सिमम लोगों के, एक बार और सोचो आंसर को। फेट सोल्यूबल की पूछी है मैंने, वाटर सोल्यूबल नहीं पूछा है, वसा में घुलनशील पूछा है। बताओ, यस, सही है, सही आंसर, तो ध्यान रखना है, यस, एडी के, ध्यान रखना है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछना है, अगला बताना है नेक्स्ट, उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, तो आंसर सभी के लगभग सही है।
अगला आपको बताना है, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्स्ट्रा होती है। चलो सिंपल पूछ लेता हूं मैं अभी आपसे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंसुलिन जो है, इंसुलिन आपको पता है हार्मोन होता है, एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है जो प्रोटीन नेचर का होता है। यस, तो इसका ध्यान रखना है, इंसुलिन का याद रखना है। जो इंसुलिन है आपका, इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन के अंदर सूक्ष्म मात्रा में, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में, कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी धातु मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बताइए इसका, नाइन्थ वाला बताइए, इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। आंसर आने चाहिए सभी के। ट्रेस अमाउंट में पूछा गया है, इंसुलिन में ट्रेस अमाउंट में कौन सी धातु मिलती है, सूक्ष्म मात्रा में बिल्कुल कौन सी धातु मिलती है इसके अंदर। बताइए, सभी के आंसर आइए, सभी बताइए, फिर आंसर आएगा आपका, बताऊंगा मैं फाइनल आंसर आपको। यस, आठवा तो मैक्सिमम लोगों ने सही बताया है। आपको नौवा बताना है, इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्या आएगा आंसर, जेटेन, जिंक, जस्ता। तो ध्यान रखना है, जस्ता यानी कि जिंक मेटल आपको मिलती है यहाँ पर इंसुलिन के अंदर। यस पूनम, आंसर सही है। ओके, याद रखना है अच्छे से। अगला आपको बताना है, बताइए लैक्रिमल ग्रंथियां जो होती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं, उनका काम क्या है। तो दसवां बताइए, लैक्रिमल लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम क्या है, किस चीज का स्त्रावण करते हैं लैक्रिमल ग्रंथियां। यस दर्शन सिंह सही है, टीयर। तो आंसर क्या आएगा, आंसू। अगला बताइए ग्यारहवा, फटाफट होने चाहिए आपके, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे उतने हो जाए, ठीक। अगला बताइए, प्रोटीन और एनर्जी के कुपोषण की वजह से क्या होता है। प्रोटीन, और अगर हम बात करें कैलोरी में यानी कि ऊर्जा की हम बात करें, प्रोटीन और ऊर्जा, एनर्जी, या फिर हम कैलोरी भी कह सकते हैं सिंपल सा, इसके कुपोषण की वजह से, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। इसमें कैलोरी की भी बात की गई है, ध्यान रखना, कैलोरी प्लस प्रोटीन। आकांक्षा मदेशिया, दो बीमारियां होती है आपको पता है, एक आपकी क्वाशियोरकर होते, एक मेरस्मस होती है, तो इनमें से आपको बताना है दोनों में से कौन सी आएगी। क्वाशियोरकर भी होती है और मेरस्मस भी होती है। मेल न्यूट्रिशन तो बता रहे हैं सभी लोग, यस बीमारियां दोनों ही होती है प्रोटीन की कमी से तो, पर इसमें ऐसा होता है जो क्वाशियोरकर होता है उसमें मेनली प्रोटीन की कमी होती है, जबकि यहां पर अगर और हम इसकी बात करते हैं मेरस्मस की, तो उसमें क्या होती है आपकी कैलोरी वगैरह इसकी भी वजह से होती है, ध्यान रखना है दोनों चीजें। तो यहां पर होती तो दोनों ही आपकी क्वाशियोरकर भी होती है, मेरस्मस भी होती है, पर एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, मेरस्मस यहां पर आएगा, इसको देखें इस तरीके से। तो नेक्स्ट बताना है बारवा, अगला बताना है, नेक्स्ट बताइए सिंपल सा पूछता हूं मैं आपसे, वैसे आप अच्छे आंसर दे रहे हैं सभी लोग। बताइए जो आपके कार्डियक साइकिल होती है, हृदय चक्र होता है, उसका टाइम कितना होता है, ये तो सभी को पता है, हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल जो होती है उसका समय कितना होता है, इसमें सभी के आंसर होने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसके आंसर आता है, कार्डियक साइकिल हृदय चक्र का समय कितना होता है।
हम एक कार्डिक साइकिल की बात करें, एक हृदय चक्र की बात करें, ये धड़कन है आपकी दर्शन सिंह 72 जो है आपकी, ये आपके हार्ट रेट है पर मिनट। हम यहाँ पर हृदय चक्र की बात करें, एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें कितना समय लगता है। बिल्कुल सही पूनम जवान जल, कितना होता है 0.8 सेकंड का, याद रख लेना कितना होता है इसका 0.8 सेकंड। ठीक, क्या करते हैं इसमें आप सिंपल सा, आप क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि 60/72 करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 0.8 सेकंड, ध्यान रखना है। ओके सही है अभी। अगला नेक्स्ट बताइए 13, 13वां आपको बताना है, अगला आपको बताना है, अच्छे से याद रखना है ये सभी। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, जो कुछ कुछ हम डिफिकल्ट लेवल के पूछेंगे, कुछ थोड़े ज़्यादा सिंपल पूछेंगे ना। एक बताइए थोड़ा सा कि अगर अगर आपके जो जोड़ हैं यानी कि जॉइंट्स अगर है, यहाँ पर कुछ क्रिस्टल अगर जमा हो जाते हैं, ध्यान रखना जॉइंट्स में कुछ क्रिस्टल या कुछ अम्ल, हम ये कैसे एसिडिक क्रिस्टल जो होते हैं वो जमा अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो जोड़ों में क्रिस्टल जमा होने की वजह से क्रिस्टली, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है। बताइए 13वां बताइए, जोड़ों में क्रिस्टल के कारण कौन सी बीमारी होती है बताइए। गठिया, अर्थराइटिस, यस, इसको क्या कहते हैं, नाम क्या होता है इसका, ध्यान रखना गाउट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं गाउट, सही बोला है कुछ ने, गाउट, ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको, गाउट कहते हैं। अभी इसमें अब ऑप्शन इतने हैं क्योंकि हम केवल वन लाइन की तरह ये देख रहे हैं, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन हमने दे देखे, ऑप्शन वाला हम वो भी लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट, अगला हम वही देखेंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लियर। तो उस तरीके से हम लाइव देखेंगे, आज हम केवल वन लाइन की तरह देख रहे हैं जो आपको बताना है डायरेक्टली, देखते हैं आपका कितना पढ़ रहे हैं आप, वो भी चीज़ें पता चलेगी आप किससे। ठीक, आपसे अगला पूछा गया है, ऐसा हार्मोन आप बता दीजिए, एक हार्मोन का नाम बता दीजिए जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो ये 14वां क्या बताना है, 14 पे आपको बताना है, ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, रक्तदाब को नियंत्रण करने का काम करता है। जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास के अंदर, अगर ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़े होंगे तो आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, जो भी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं मैक्सिमम। बताइए 14, हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो ब्लड प्रेशर को, बताइए फटाफट 14वां, सही बताया दर्शन सिंह, एड्रीनलिन, कौन सा होता है, एड्रीनलिन होता है, ध्यान रखना है। तो एड्रीनलिन हुए, नोर एड्रीनलिन हुए, ये हार्मोन्स जो होते हैं जो आपके कहाँ से रिलीज होते हैं, किडनी वाले वृक्क जिसे हम कहते हैं, या फिर हम किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उससे रिलीज होने वाले होते हैं एड्रीनल हार्मोन, तो वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं, अच्छे से याद रखना है। आपसे अगला क्वेश्चन है 15वां बताना है, 15वां बताना है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, फर्स्ट जो सक्सेसफुल हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, तो पहला फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हृदय का सफल प्रत्यारोपण बता दीजिए किसने किया था, इसका आंसर आना चाहिए सभी का। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण, बताइए आंसर क्या आएगा, 15वां क्वेश्चन आपको बताना है, साइंटिस्ट का नाम बताना है, अगर ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा, याद रख लीजिए, इसका आंसर आएगा CN बर्नार्ड, क्या आएगा, CN बर्नार्ड, तो CN बर्नार्ड नाम आएगा, अच्छे से ध्यान रखना है। 15वां हरीश यादव सही है,
सही है दर्शन सिंह, आपका भी आंसर ओके। तो ये सारी चीजें याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट है आपकी, फिफ्टीन हो चुके हैं हमारे, सिक्सटीन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना, लाइक जरूर कर दे सेशन को सभी लोग, ठीक आंसर आने चाहिए सभी के। अगला आपको बताना है, बताइए जो दांत होते हैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दांत और हड्डियां दोनों एक साथ पूछी गई है, दांत और हड्डियां यानी कि जो आपके टीथ है और जो बोन्स है वो दोनों से आपको एक साथ पूछा गया, बताइए दोनों मजबूती किसकी वजह से होती है, दोनों मजबूत किसके कारण होते हैं, स्ट्रोंगनेस कौन प्रोवाइड करता है दोनों को, एक साथ पूछा गया ध्यान रखना, दांत और हड्डियां। दांत और हड्डियां किसके कारण मजबूत होती हैं, क्या आंसर आएगा मैक्सिमम लोगों का, सही आंसर है ध्यान रखना है। ठीक तो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की हम बात करें, ठीक मेन कौन होता है इसमें, कैल्शियम की हम बात करें हाँ। और आपसे अगर पूछा जाए ध्यान रखना, इसके अलावा अगर ओनली अगर आपसे क्या पूछा जाता है, दांत का ही पूछा जाता केवल, तो दांत में जो मेन मजबूती देने का और काम करता है वो कौन करता है, फ्लोरीन भी करता है ध्यान रखना, फ्लोरीन जो होता है वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, दांत के अंदर मजबूती देने का काम करता है, तो ये अच्छे से याद रखना, आपसे जोड़े में पूछा गया है इस वजह से आंसर कैल्शियम है मेनली इसका, ठीक। अगला बताना है, चलो क्या पूछा जाए आपसे, सिंपल पूछें, नेक्स्ट बताना है, चलो ये सभी को पता होंगे, पर अगला आपसे क्वेश्चन बताइए, आप ही बताइए कौन से चैप्टर से रिलेटेड पूछें, उससे रिलेटेड पूछता हूं मैं आपसे, चलो एक और जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो बता दीजिए, कौन सी बीमारी है जिसको लोक जौ कहा जाता है, लोक जा यानी कि जबड़ा जो होता है आपका वो लोक हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी बीमारी है जिसको यस लोक जो का नाम बताइए फटाफट, सत्रवा 17 वाला एक रिवीजन की तरह हम देख रहे हैं केवल इस लेक्चर को, जो मैक्सिमम आप लोगों को पता भी है सारी चीजें, एक ही बता दीजिए सत्रह लोग जो किसे कहते हैं, 18 वाला बता दीजिए गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं उनका अध्ययन कौन सी अवस्था में सर्वाधिक अच्छा किया जाता है, गुणसूत्र के अध्ययन के लिए उनकी स्टडी के लिए बेस्ट स्टेट स्टेज कौन सी होती है, अवस्था कौन सी होती है, ये बता देना है, ये लाइन से बताते जाना सभी लोग। 19 वाला बताइए, 19 वाला बताइए आप, आपसे पूछा जाता है कि हमारे ह्यूमन की जो या फिर हम ये कह दें कि मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जो होते हैं स्तनधारी या मैमल्स की हम बात कर लें, इसके अंदर कौन सी कोशिका होती है रक्त में जो सर्वाधिक बड़ी होती है, आकार में सर्वाधिक बड़ी कोशिका कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाइक कर देना सेशन को सभी लोग एक बार। और 21 और लास्ट और क्वेश्चन में दे देता हूं आपको, इन सबके बताना है फिर आपको, एक और बता दीजिए, एक और बता दीजिए, ये सिंपल सा बता देता हूं, चलो ये पहला आपका जो हम ये कह दे कि पहला क्लोनित जो क्लोन की गई भेड़ कौन सी है, पहली क्लोन की गई क्लोनिंग द्वारा तैयार की गई भेड़ कौन सी है, जीन की हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ले रहे हैं सिंपल सा, ये सभी को पता है इस वजह से। लोक जा का बताइए क्या होता है, सत्रवा का क्या आएगा, टीटेनस, ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, टीटेनस को हम क्या कहते हैं, लोक जा कहते हैं। गुणसूत्र का अध्ययन सर्वाधिक कहाँ पर अच्छा किया जाता है, सबने अच्छे से पढ़ रखा है गुणसूत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है, मेटाफेज स्टेज में किया जाता है,
जिसको मध्य अवस्था कहते हैं हम हिंदी में। स्तनधारी जो होते हैं, यानी कि हम अगर बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में ब्लड के अंदर आपको पता आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, और इनके अंदर भी अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के अंदर वो अलग अलग शेप की होती है। तो डब्ल्यूबीसी में जो आपकी कौन होती है, अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, ध्यान रखना है मोनोसाइट्स जो होती हैं वो आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्तनधारियों की, क्या आएगा मोनोसाइट, याद रखना है मोनोसाइट। और ये तो सभी को पता है पहली क्लोन भेड़ कौन है, डोली, डोली फिश जिसे डोली, ध्यान रखना है डोली, डोली कहा जाता है इसको, डोली शिप। ठीक, तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम खत्म करते हैं आज। रात में वापस हम एक बार जुड़ेंगे 10 बजे के आसपास, हम एक बार ऑनलाइन जुड़ेंगे, उसमें आप लोगों को जुड़ना है, वहां पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी को करेंगे। ओके, एक बार लाइक जरूर कर दे सेशन को, और कल जो हम ये सेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स करेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके जाएं सेशन के बाद एक बार।